नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जैसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टोपी में, सॉक्स में, शूज़ में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। मैंने 20 फंदे डाल दिए हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद आप दूसरा रंग अटैच कर लें और 3 फंदा सीधा बुन लें दूसरे रंग से, 1, 2, 3, फिर 2 फंदा स्लिप करें, फिर 3, फिर 4 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा स्लिप करें, फिर 4 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करें, और शुरुआत में भी 3 फंदा सीधा आया है और लास्ट में भी 3 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा आएगा। रॉन्ग साइड से सेकेंडरी कलर से बुने हुए फंदे उल्टे बना लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे उल्टा बनाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड 1 फंदा प्राइमरी कलर से सीधा, उसके बाद 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो सेकेंडरी कलर वाले फंदे हम बाईं सिलाई में ले लेंगे और प्राइमरी कलर वाला फंदा खींच के आगे कर लेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा फंदा है स्लिप किया हुआ फंदा, इसे 2 फंदे के हमें बाद करना है। प्राइमरी सेकेंडरी कलर वाला फंदा हम दाहिने फंदे में सिलाई में ले लेंगे और उसके बाद प्राइमरी फंदे को खींच के लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे, इन दोनों फंदों के लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे और तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। से देखिए प्राइमरी कलर वाला फंदा हमको 2 फंदे के पहले करना है। तो सेकेंडरी कलर वाला फंदा हम बाईं सिलाई में लेंगे, प्राइमरी कलर वाला फंदा खींचेंगे और इसके दोनों फंदों के आगे कर लेंगे, फिर तीनों फंदों को हम प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे। फिर ये दूसरा स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हमें 2 फंदे के बाद करना है। 2 फंदे के बाद कर लिया, उसके बाद तीनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। स्लिप किया हुआ फंदा 2 फंदे के पहले करना है, तीनों फंदों को हमें सीधा बुन लेना है, फिर दूसरे स्लिप किए हुए फंदे को 2 फंदे के बाद करना है और तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। और लास्ट फंदा इसे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड 1 फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे,
फिर चार फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, एक दो तीन चार। देखिए ये हमने पहली लाइन में इन दो फंदों को, ये जो फंदे ट्विस्ट किए गए हैं इन्हें ही हमें स्लिप करना है। तो दो फंदा स्लिप करेंगे और ये दो फंदे ये बीच के हैं तो इन्हें हमें सीधा बुनना है। तो चार फंदा हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। देखिए इन दो फंदों को हमने ट्विस्ट किया था तो इसे हम इस लाइन में स्लिप करेंगे और चार फंदा सीधा बुनेंगे। इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा बुनना है, फिर दो फंदा स्लिप करना है और चार फंदा सीधा बुनना है। लास्ट में दो फंदे आएंगे तो एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे और अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। शुरुआत में भी हमने पहला फंदा सीधा बुना है और एक फंदा स्लिप किया था, लास्ट में भी एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट फंदा जो है उसे सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बना लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। इस तरह एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर चार फंदा उल्टा और फिर दो फंदा स्लिप किया, फिर चार फंदा, यानी बुने हुए फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ चार फंदा इसे उल्टा बुन लेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और लास्ट फंदा उल्टा। दो लाइन सेकेंडरी कलर से बुनने के बाद फिर हमारा दो लाइन प्राइमरी कलर से होगा। तो अब एक फंदा प्राइमरी कलर से हम सीधा बुन लेंगे और ये जो हमारा उतारा हुआ फंदा था उसे दो फंदे के बाद कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में इसे हम ट्विस्ट कर लेंगे। तो दो फंदे के बाद कर लिया, तीनों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे हमारा दो फंदा उतारा गया है। तो पहले फंदे को हम राइट हैंड साइड में दो फंदे के पहले करेंगे और दूसरे फंदे को लेफ्ट हैंड साइड में दो फंदे के बाद करेंगे। तो इसे हम दाहिनी तरफ दो फंदे के पहले कर लेंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे। फिर दूसरे फंदे को दो फंदे के बाद करेंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे दो फंदे उतारे हुए इकट्ठे हैं तो इन्हें पहले फंदे को दो फंदे के पहले करना है और दूसरे फंदे को दो फंदे के बाद करना है। तो पहला फंदा है इसे हम दो फंदे के पहले कर लेंगे और तीनों को सीधा बुन लेंगे और ये दूसरा फंदा है तो इसे दो फंदे के बाद कर लेंगे और फिर तीनों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट में हमारा एक ही फंदा ये रहेगा स्लिप किया हुआ तो इसे दो फंदे के पहले कर लेंगे और इन चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। एर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। नाइन्थ रो से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि तीन फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, दो फंदा स्लिप करेंगे, फिर चार फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा और दो फंदा
स्लिप करेंगे, फिर चार फंदा सीधा, दो फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट में तीन फंदा आएगा जिसे हम सेकेंडरी कलर से सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे, यानी तीन फंदा उल्टा, दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदा स्लिप करना है, फिर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत में भी तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे आए थे, और लास्ट में भी तीन फंदे आएंगे जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। ग्यारहवीं लाइन में फिर हमें फंदों को ट्विस्ट कराना है, तो एक फंदा हम प्राइमरी कलर से सीधा बुन लेंगे, फिर देखिए दो फंदे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, दो फंदे उतारे हुए यहाँ पे हैं, तो एक फंदे को राइट हैंड साइड में, दूसरे फंदे को लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्विस्ट करा देंगे यहाँ पे, और फिर तीनों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरे फंदे को दो फंदे के बाद में हम ट्विस्ट करा देंगे, तो और तीनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे दो फंदे उतारे हुए हैं, तो पहले फंदे को राइट हैंड साइड में दो फंदे के पहले करेंगे, दूसरे फंदे को लेफ्ट हैंड साइड में दो फंदे के बाद करेंगे, राइट हैंड साइड में दो फंदे के पहले कर लिया, तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, फिर दूसरे फंदे को लेफ्ट हैंड साइड में दो फंदे के बाद कर लिया, तीनों को सीधा बुन लेंगे। दो फंदे यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो पहले फंदे को दो फंदे के पहले कर लेंगे, तीनों को सीधा बुन लेंगे, और दूसरे को दो फंदे के बाद करेंगे, और तीनों को सीधा बुन लेंगे। और लास्ट फंदा उसे हम सीधा बुन लेंगे, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तेरहवीं लाइन में हम फिर सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे को सीधा, फिर दो फंदे को स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे को सीधा और दो फंदे को स्लिप करेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। रॉन्ग साइड में स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट प्राइमरी कलर में हमें इसे ऐसे दो फंदे के आगे या दो फंदे के बाद, स्लिप किए हुए फंदे को दो फंदे के पहले या दो फंदे के बाद करेंगे। तो इस तरह ये डिज़ाइन ऐसे जिक जैक बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने बनाया हुआ है ऐसे डिज़ाइन जिक जैक बनता हुआ चला जाएगा, और एक खूबसूरत सा पैटर्न तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। ये सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है, और रॉन्ग साइड से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।